तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। उन्होंने मेघालय में एनपीपी की मदद से सरकार बनाने के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और तंज किया। महुआ मोइत्रा ने लिखा, माननीय पीएम जी और अमित शाह जी मेघालय में उसी समय थे जिस समय मैं भी वहां थी। वे चीख चीख कर कह रहे थे कि किस तरह एनपीपी सबसे भ्रष्ट सरकार है। अब वे कॉनराड सांगमा के शपथ ग्रहण समारोह में उड़कर जा रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी ने पूर्वोत्तर जीत दिया। बता दें, मेघालय विधानसभा चुनाव में एनपीपी के 26 और यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 11 सीटें मिली। 60 सदस्यों वाले विधानसभा में एनपीपी को बीजेपी के दो और कुछ अन्य विधायकों का भी समर्थन पहले से मिल चुका है। यूडीएफ के अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ ने भी कॉनराड को समर्थन का पत्र दिया है। यूडीपी के शीर्ष नेताओं ने मेघालय में एनपीपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर वैकल्पिक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के प्रयासों से मेघालय में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। मेघालय विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मेघालय किसी एक परिवार की सरकार के बजाय जनता की सरकार चाहता है। उन्होंने कहा था, कुछ लोगों ने मेघालय में परिवार का शासन चलाया है और व्यक्तिगत हितों के संरक्षण को प्राथमिकता दी है। ये पहला मौका था जब मेघालय विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ईसाई बहुल मेघालय में बीजेपी को पिछली बार की तरह इस बार भी 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। बीजेपी के प्रदर्शन में पिछले चुनाव से कोई सुधार नहीं हुआ, इसके उलट उसका वोट शेयर गिर गया।